बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विज़िट वीज़ा के बारे में, विज़िट वीज़ा की एक्सटेंशन के बारे में। आज ही जवाहरात ने एक नई अपडेट दी है कि विज़िट वीज़ा को एक्सटेंड करवाने के लिए उसकी इंश्योरेंस को भी जो है दोबारा से एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो सब तक जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त जवाजात की जो अपडेट देख रहे हैं, इसमें लिखा है अल जवाजात अल तामीन अल सही शर्त अल असातिल तमदीद तशीरा अल ज़ियारा अल आलिया। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जब भी आपका जो है आप सऊदी अरब में आएंगे तो आपने अगर अपने विज़िट वीज़ा को अपने अपशर के थ्रू, जो हम ऑनलाइन आगे जो है, जैसे कि 3 माह का अगर वीज़ा है तो हम उसको मज़ीद 3 माह जब एक्सटेंड करते हैं तो उसके लिए जो है आपको इंश्योरेंस भी वैलिड होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आप जब पाकिस्तान से या इंडिया से जब आते हैं तो आपका अगर वीज़ा 3 माह का लगता है तो आपकी इंश्योरेंस भी 3 माह के लिए हो जाती है। और अगर जो है वो इंश्योरेंस तो 3 माह तक वैलिड है, लेकिन अब जो मज़ीद 3 माह एक्सटेंड करने होंगे उसके लिए आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। उसके लिए जो है अभी तक जो है यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं किया गया कितने पैसे होंगे। अभी सुनने में यही आ रहा है कि वो $14 होंगे या मैक्सिमम 100 रियाल होगा 3 माह के लिए, जो कि आपका मज़ीद लगेगा, क्योंकि जब आप पाकिस्तान से आते हैं तो 3 माह की आपकी जो इंश्योरेंस है वो हो चुकी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है अल अकदत अल मदीरा अल आमा अल जवाजात अन तवाफ अल सरात, यानी कि जिसमें आपके लिखा हुआ है कि जब भी आप वो एक्सटेंड करेंगे तो आपको जो है यानी कि वीज़ा एक्सटेंड करने से पहले वो अबशर के साथ तामीन को, इंश्योरेंस तामीन को बोलते हैं, तो वो उसके साथ लिंक कर दिया गया है। यानी कि जैसे ही आप जो है वो वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको इंश्योरेंस होना लाजमी है, वरना आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। ये आज ही अपडेट तकरीबन दोपहर को ये अपडेट आई है, तो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझा, क्योंकि अब जो है जब से विज़िट वीज़ा फ़ीस कम हुई है तब से सब लोग बहुत खुश हैं। और इतना रश है कि एतमाद पर जो है वो कहीं पे अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रही है 20-20 दिन तक। और इसके अलावा यहाँ पर भी जो अगर हम जाएँ तो यहाँ पर सऊदीया में भी विज़िट वीज़ा निकालने के लिए जाएँ तो लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो जैसे ही यहाँ पर जो है हमें एक तरफ से वीज़ा फ़ीस में जो है सहूलत दी गई है फ़ीस कम करके, तो दूसरी तरफ जो है चंद किस्म की पाबंदियां और चंद दूसरी चीज़ें भी निकल कर सामने आ रही हैं। तो उसी के बारे में आपको बता रहे हैं कि जो है आप तैयार होकर आइएगा। अगर आप सऊदी आ रहे हैं या वीज़ा निकाल चुके हैं या निकालने वाले हैं तो आपको क्या करना है कि जब आप वीज़ा एक्सटेंड करने से महीना यानी कि 10 दिन पहले 15 दिन पहले आपने इसको एक्सटेंड कर लेना है अपनी इंश्योरेंस को। इंश्योरेंस कैसे एक्सटेंड करेंगे, उसके लिए कैसे क्या प्रोसीजर होगा, उसके लिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है प्रॉपर नहीं आया। इंशाल्लाह जैसे ही इसके बारे में हमें अपडेट मिलती है हम उसकी अलग से वीडियो बना के आपको अपडेट कर देंगे कि आपने उसको किस तरह से इंश्योरेंस को एक्सटेंड करना है वीज़ा एक्सटेंड करने से पहले। ठीक है, तब तक हमें इजाज़त दीजिए, तो इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ आपके पास इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। और इसमें आपको एक और यहाँ पे सॉरी अपडेट करते चलें कि अगर आपका वीज़ा 1 महीने का है तो आपको भी सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा। इंश्योरेंस आपको अगर वीज़ा वो एक्सटेंड करना है तो आपको वो करनी पड़ेगी अपडेट। इसमें जो उम्रा वाले हैं या डिप्लोमेट्स हैं, तो यानी कि जो हज वाले उम्रा वाले डिप्लोमेट्स वगैरह हैं उनको इससे इस्तिस्ना है, उनके लिए जो है ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई भी अपनी फैमिली बुलाता है या बिज़नेस विज़िट पर आता है तो उनको जो है ये उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, नई अपडेट के साथ आपके साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।